तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो सिफिलिस टेस्ट के बारे में, सिफिलिस यानी इसके PDRL टेस्ट के बारे में, ये क्वालिटेटिव कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग कार्ड पे इसको करते हैं, तो मैं क्वालिटेटिव के बारे में बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सपोर्ट कर देना, यानी कि सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, और जो भी लोग पहले से हैं वो ऐसे इस वीडियो को लाइक करते रहे, अपना सपोर्ट दिखाते रहे, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलते रहे। तो हम इसको क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट करने के लिए ये इसका प्लेट होता है, उसमें भी एक नेगेटिव कंट्रोल और एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, और उसका एंटीजन होता है, यानी कि इसमें हम एंटीजन बोलते हैं उसको, VDRL का ये एंटीजन होता है, ठीक है। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं कैसे। अब इसका जो आप प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट व्हाइट कलर से होता है। व्हाइट कलर का इसलिए होता है कि जो इसका एंटीजन होता है, जो टेस्ट करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है, वो ब्राउन कलर का होता है। तो इसलिए ब्राउन कलर होता है, तो ब्लैक व्हाइट रखा गया है इसका बैकग्राउंड प्लेट का, जिससे हम इजी तरह से प्रोसेस कर सके। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर एक लिखा है PC यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल, दूसरा में लिखा है नेगेटिव कंट्रोल NC। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल का 1 ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से हम नेगेटिव कंट्रोल का भी 1 ड्रॉप ले लेंगे, और लेने वैसे इसका फुल प्रोसीजर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगे तो शेयर करना इसको। तो हमने नेगेटिव कंट्रोल भी 1 ड्रॉप ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पेशेंट का एक सीरम लेंगे, जिस टेस्ट पेशेंट का हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कि जिसका हम सिफिलिस करना है यानी कि VDRL करना है, उसका हम 1 ड्रॉप ले लेंगे यहाँ पे। चलिए ड्रॉपर की सहायता से इसका भी 1 ड्रॉप हम ले लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि 1 ड्रॉप इसका भी ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें एंटीजन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हो ASO, CRP और R इफेक्टर में लैक्टेक्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये VDRL एक सिफिलिस टेस्ट है। इसके बारे में सेपरेट से वीडियो बता दूंगा कि VDRL का मतलब होता क्या है, ये क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ड्रॉप ये तीनों में हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हम मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद से इसका एक प्रोसीजर है, 2 मिनट तक हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद से फिर हमको इसका वैल्यू चेक करना है। चलिए मैंने जल्दी से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे आप सर्कल में से इसको राउंड शेप में इसे घुमाते रहोगे, थोड़ी देर बाद इसमें रिएक्शन होगा तो आप ये देखोगे पॉजिटिव कंट्रोल में रिएक्शन होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कंट्रोल नेगेटिव होना चाहिए, और टेस्ट का जो भी वैल्यू आए वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसका भी रिएजेंट चेक करने के लिए हमने QC किया पहले इसका, यानी क्वालिटी कंट्रोल। अब हम क्या करते हैं, अब देख सकते हैं थोड़ी देर बाद इसमें एग्लूटेशन आना चालू हो गया, यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल में एग्लूटेशन आया, नेगेटिव कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है, और टेस्ट भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से इसका रिपोर्ट हम करते हैं, यानी कि सिफिलिस यानी कि VDRL ये नेगेटिव करके हम रिपोर्ट इसका कर सकते हैं। कभी सारे लोग पूछे हैं रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो सिंपल है, हमने कंट्रोल पॉजिटिव आया, नेगेटिव कंट्रोल नेगेटिव आया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना मस्त शेप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, क्योंकि बहुत सारे उम्मीद है आप लोगों से, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहो कि मैं और सारे वीडियो टेस्ट प्रोसीजर का लेते आते रहूँ अपने चैनल पर, और आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।